मित्रों, आप सभी जानते हैं कि 500 सालों के लंबे संघर्ष, त्याग व तपस्या के बाद वो शुभ अवसर आ गया है जब बड़े ही धूमधाम से भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को गर्भगृह में की जाएगी। इससे करोड़ों सनातनियों में खुशी की लहर है और यह समय भक्त जनों के लिए दिवाली के उत्सव से कम नहीं है। अयोध्या में मंदिर विवाद से लेकर विध्वंस और मंदिर निर्माण की घटनाएं देख तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बालकांड में लिखा हुआ यह दोहा याद आ गया है, होई ही सोई जो राम रचि राखा, यानी होगा वही जो राम ने लिख रखा है। आज वर्षों बाद भी वही हुआ जो प्रभु श्री राम की इच्छा थी। जैसे जैसे राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख पास आ रही है तो राम लला के दर्शन करने वानर, जामवंत और जटायु अयोध्या पहुंच रहे हैं। यह सब देखकर बहुत से भक्तों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि भगवान भोलेनाथ भी क्या रामलला के दर्शन को आएंगे, क्योंकि जब भगवान श्री राम के जन्म का उत्सव चल रहा था तब भगवान भोलेनाथ उनके दर्शन करे बिना नहीं रह पाए और वो अयोध्या में भेष बदलकर रामलला के दर्शन करने गए थे। आपको क्या लगता है, भगवान भोलेनाथ एक बार फिर से अयोध्या नगरी में क्या रामलला के दर्शन करने आएंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट में जय श्री राम और ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। चलिए हम आपको वो पूरा किस्सा सुनाते हैं जिसे सुनकर आज भी भक्त बहुत आनंदित हो जाते हैं। जिस समय भगवान राम का जन्म हुआ था तो चारों ओर उत्सव मनाया जा रहा था। सभी लोग राम लला के बाल स्वरूप का दर्शन करके बहुत आनंदित हो रहे थे। कैलाशपति भगवान शिव भी अपने आप को उनके दर्शन के बिना रोक नहीं पाए और एक मनुष्य का रूप धारण करके वो अवधपुरी पहुंच गए। जैसे ही अयोध्या में पहुंचे वहां बहुत भीड़ लगी हुई थी। भगवान शिव ने राम जी के बाल स्वरूप के दर्शन करने के लिए बहुत कोशिश की लेकिन वो सफल नहीं हो रहे थे क्योंकि वहां भक्तों की बहुत भीड़ लगी हुई थी। भगवान शिव ने एक बार थोड़ी सी ताकत लगाई और थोड़ा सा धक्का दिया। जैसे ही भगवान ने धक्का दिया तो अंदर से उन्हें एक ऐसा धक्का आया जिससे वो दूर जाकर मंदिर के एक शिवलिंग के पास टकराकर गिर गए। भगवान भोलेनाथ अपने आप से व्यंग करते हुए बोले, ये लो हो गए दर्शन, राम के दर्शन तो हुए नहीं पर मेरे खुद के दर्शन हो गए। भोलेनाथ ने सोचा कि ऐसी भीड़ में दर्शन कैसे हो सकते हैं। तब उनको याद आया कि यहाँ पे उनका एक चेला है लेकिन वो कहीं आसपास दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने सोचा यही कहीं होगा और वो चेला था काकभूषणी जी महाराज। जैसे ही भोलेनाथ ने इन्हें याद किया तो काकभूषणी जी वहां कौवे के रूप में प्रकट हो गए। वो भगवान भोलेनाथ को कहते हैं कि महादेव आपने मुझे कैसे याद किया, जल्दी बताइए। भोलेनाथ जी बोले, जल्दी बताऊं पर क्यों, कहां जाना है आपको? काकभूषणी जी बोले, आपके लिए तो मैं बहुत बड़ा उत्सव छोड़कर आया हूँ। भोलेनाथ जी बोले, आप कहाँ थे? उन्होंने बोला, मैं तो अंदर राम जन्म के उत्सव का आनंद ले रहा था। भगवान भोलेनाथ बोले कि मानव को तो भीड़ रोक सकती है लेकिन कौवे को कौन रोकेगा। वो अपने मन में सोचने लगे कि चेला तो अंदर राम जन्म के उत्सव का आनंद ले रहा है और गुरु बेचारा बाहर बैठा हुआ है। भोलेनाथ बोले कि चेला जी कोई युक्ति बताइए और हमें भी रामलला के दर्शन कराइए। काकभूषणी जी ने कहा, महाराज चलिए मैं कोई युक्ति बनाता हूँ। काकभूषणी जी ने मानव का रूप धारण किया और भोले बाबा को लेके अंदर जाने की कोशिश की लेकिन रामलला के दर्शन करने के लिए लोगों की इतनी ज्यादा भीड़ थी कि वो लोग अंदर नहीं जा पाए। रामलला जी अंदर से ये सब देख रहे थे। जब उन्होंने देखा कि भगवान भोलेनाथ अंदर नहीं आ पा रहे हैं तो वो रोने लगे क्योंकि वो भी भगवान भोलेनाथ से मिलने के लिए बहुत ज्यादा व्याकुल थे। जैसे ही रामलला के रोने की आवाज उनकी मैया के कानों में पड़ी तो कौशल्या माता भी रोने लगी और बोली कि मेरे लाला को आज क्या हो गया है, ना जाने इसको किसकी नजर लग गई है। उन्होंने रामलला को चुप कराने की बहुत कोशिश करी लेकिन वो चुप नहीं हो रहे थे। राजमहल के बाहर भोले बाबा भी उनसे मिलने को बहुत ही ज्यादा व्याकुल थे। जब अंदर जाने का कोई तरीका नहीं सूझा तो उन्होंने एक
80 साल के ज्योतिष का रूप धारण कर लिया और काकभुषंडी जी को अपना शिष्य बना दिया। दोनों मिलकर सरयू नदी के किनारे पे बैठ गए। जितने भी लोग रास्ते से आ जा रहे थे, काकभुषंडी जी उन्हें पकड़ के भगवान शिव के पास ला रहे थे। भगवान शिव उन सबके हाथ देखते और उनके बारे में एकदम सत्य भविष्यवाणी कर रहे थे। ये बात पूरी अवधपुरी में आग की तरह फैल गई कि सरयू नदी के तट पे एक बहुत ही ज्ञानी ज्योतिषी आया हुआ है। महल के अंदर रामलला का रोना बंद ही नहीं हो रहा था। उनकी माँ बहुत ज्यादा परेशान थी। इतने में एक सेवक आकर बोला, मैया मुझे खबर मिली है कि अवधपुरी में एक बहुत बड़ा ज्योतिषी आया हुआ है। वो बहुत ही ज्यादा ज्ञानी है और सारी चीजें एकदम सत्य बताता है। अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं उसे बुला लाऊं? क्या पता वो हमारे लल्ला को ठीक कर दे या उसको ठीक करने का कोई उपचार ही बता दे। माँ तो बहुत परेशान थी। उन्होंने कहा कि जाओ उसे जल्दी बुला के लाओ, बस मेरे लाल का रोना बंद हो जाए। ये सुनते ही सेवक सरयू नदी की तरफ दौड़ पड़े। वहां पर भोले बाबा नदी के तट पर बैठे हुए थे। सेवकों ने कहा, क्या आप ही वो ज्योतिषी हैं जिनकी चर्चा हर जगह फैली हुई है? भोलेनाथ जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया। जैसे ही वो लोग बोले कि हम लोग राजभवन से आए हैं, सुबह से लल्ला आज बहुत ही ज्यादा रो रहे हैं, रानी ने आपको तुरंत बुलाया है। ये सुनते ही भोलेनाथ का रोम रोम पुलकित हो गया। वो समझ गए कि राम जी ने उन पर कृपा की है, तभी ये लोग मेरे पास आए हैं। जैसे ही भोलेनाथ जी उनके साथ चलने लगे तो काकभुषंडी जी ने भगवान का कुर्ता पकड़ लिया और बोले, महाराज मैं भी आपके साथ हूँ, मुझे भी साथ लेके चलो। भगवान भोलेनाथ ने कहा, तुमने तो दर्शन कर लिए, तुम जाकर अब क्या करोगे? काकभुषंडी जी बोले, भगवान मैंने तो सिर्फ उनके दर्शन किए हैं, प्रभु का स्पर्श अभी नहीं किया है। यदि आप मुझे उनका स्पर्श करवाओगे तो ठीक है, नहीं तो मैं अभी आपकी सारी पोल खोल दूंगा। भगवान भोलेनाथ बोले, ठीक है आपको भी दर्शन करवा देते हैं, पर आप चुप रहना, किसी से कुछ मत बोलना। जैसे ही वो लोग राजभवन के दरवाजे पे पहुंचे तो वहां पे सैनिकों ने उनको रोक लिया। तो सेवकों ने बताया कि ये ज्योतिषी हैं और महारानी ने इनको अंदर बुलाया है। ये सुनकर उन्होंने भगवान भोलेनाथ को तो अंदर भेज दिया, लेकिन काकभुषंडी जी को रोक लिया। पहरेदारों ने कहा कि महाराज दशरथ के सख्त निर्देश हैं कि जिसे काम हो वही अंदर आए, अन्यथा किसी और को अंदर ना आने दिया जाए। भोलेनाथ तो अंदर मुस्कुराते हुए चल दिए, लेकिन काकभुषंडी जी ने उन्हें बोला, प्रभु मुझे भी अंदर लेके जाइए, अन्यथा मैं आपकी सारी पोल खोल दूंगा। भगवान बोले, चलो मैं कुछ करता हूँ। उन्होंने सिपाही के पास जाकर बोला कि मैं तो एक 80 साल का बूढ़ा हूँ और मेरी आंखें भी बहुत कमजोर हैं। चेले के बिना अंदर मेरा कोई काम नहीं चलेगा, इसलिए इसको भी मेरे साथ अंदर आने दो। ये सुनकर सैनिकों ने उनको भी अंदर भेज दिया। जैसे ही वो अंदर पहुंचे, कौशल्या माता अपनी गोदी में रामलला का मुंह ढक करके ज्योतिष बाबा के पास आई और उनसे बोली, मेरा लल्ला काफी समय से रो रहा है, कृपया करके इसे जल्दी से चुप कराएं। ज्योतिष रूप में भोलेनाथ जी बोले, मैया इतनी दूर से कुछ नहीं होगा, ना तो आप इसका मुंह दिखा रही हो, ना ही आप स्पर्श करा रही हो। बिना मुंह देखे और बिना इसे स्पर्श किए हुए मैं कुछ नहीं कर सकता। आप अपने इस लल्ला को मेरी गोदी में दे दीजिए, तभी मैं इसकी नजर उतार सकता हूँ। मैया बोली, आप इसकी नजर दूर से ही उतारो। भोलेनाथ जी बोले, मैया दूर से कुछ भी नहीं होगा, हाथ में लिए बिना इसकी नजर नहीं उतर पाएगी। कौशल्या माता ने जैसे ही अपना पल्लू रामलला के चेहरे से हटाया और ज्योतिष महाराज की तरफ किया, वैसे ही उनका लल्ला भगवान भोलेनाथ को देखकर खिलखिलाकर मुस्कुराने लगा। मैया बोली, महाराज आप तो कमाल की ज्योतिषी हो, आपने सिर्फ मेरे लल्ला को देखा ही है और लल्ला का रोना बंद हो गया और वो खूब हंस रहा है। भोलेनाथ जी बोले, मैया अपना लल्ला मेरी गोदी में दे दो, ताकि आपका लल्ला और भी ज्यादा आनंदित हो जाए। जैसे ही मैया ने राम लल्ला को भोलेनाथ जी की गोदी में दिया, वैसे ही भगवान शिव भाव विभोर हो गए, क्योंकि
अब तक जिस बालक की छवि उनके मन में थी, आज उस छवि का उन्होंने साक्षात दर्शन कर लिया है। भोलेनाथ जी कभी उसका हाथ पकड़ते, कभी गाल छूते और कभी माथा सहलाते। राम जी भी बड़ी आनंद भरी नजरों से उनको ही देखे जा रहे थे। जब थोड़ी सी देर हो गई तो काकभूषणी जी ने पीछे से भगवान भोलेनाथ का कुर्ता खींचा और कहा, हमारा भी हिस्सा तो दीजिए भगवान, आपने खूब आनंद ले लिया है, अब रामलला को मेरी भी गोदी में दीजिए ताकि मैं भी आनंदित हो सकूं। जैसे ही भगवान भोलेनाथ राम जी को काकभूषणी जी की गोदी में दे रहे थे तो मैया ने रोक लिया और कहा, इनकी गोदी में लाला क्यों दे रहे हो? भगवान भोलेनाथ बोले, मैया मैं बहुत बूढ़ा हूँ, ये मेरा चेला है, ये हाथ देखेगा और मैं इसका भविष्य बताऊंगा। उन्होंने काकभूषणी जी के हाथ में रामलला को दे दिया। रामलला को अपने हाथ में पाते ही वो बोले, भगवान आज तो मेरा जीवन सफल हो गया है। भगवान भोलेनाथ ने उनकी मैया से कहा कि आपका लल्ला कोई साधारण लल्ला नहीं है, इनका जग में बहुत बड़ा नाम होगा और आपके लल्ला के नाम लेने से ही लोग भव सागर तर जाएंगे। मैया बोली, ये सब तो ठीक है, पर ये बताओ कि लल्ला की शादी कब होगी? भोलेनाथ जी बोले कि मैं इतना ही बता सकता हूँ कि आगे चलकर एक ऋषि आपके लल्ला को आपसे मांगने आएंगे, तो उस समय आप अपने लल्ला को उनको दे दीजिएगा, क्योंकि लल्ला उनके साथ जाएंगे और वहां से अपनी बहू लेकर आएंगे। कौशल्या जी बोली कि आप चिंता मत करो महाराज, मैं ये बात हमेशा याद रखूंगी। मैया ने उन ज्योतिषी का धन्यवाद करते हुए बोला, आपने बहुत बड़ी कृपा की है, आपके आते ही हमारे लल्ला ने बिल्कुल रोना बंद कर दिया है, अब मेरे लल्ला को आशीर्वाद भी दीजिए। मैया के कहने पे उन्होंने इस बालक को आशीर्वाद दिया और अपने लोग वापस लौट गए। ये अमृत कथा यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में जय श्री राम और ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें।